चले बात करेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की। यूपी में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा। आपको बता दें कि हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक होगी। वहीं अगर बात की जाए इंटरमीडिएट की परीक्षा की, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। नकल करने वालों पर नकेल कसने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो अगर बात की जाए तैयारियों की, तो लखनऊ में मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, जहां पर पूरी मॉनिटरिंग होगी। इस बार सीसीटीवी कैमरे भी ज्यादा लगाए गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार नकल मुक्त परीक्षा करवाई जाए। देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, सीबीएसई की परीक्षाएं हैं, इसके अलावा मदरसों में भी कुछ परीक्षाएं हैं और साथ साथ विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं हैं। 4 परीक्षाएं आगे आने वाले दिनों में संपादित होंगी। इन सभी परीक्षाओं को शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि नकल विहीन परीक्षा हम लोगों को सुनिश्चित करानी है, और उन्होंने स्वयं इस प्रकरण पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनके आदेशों के अनुपालन में पूरी तैयारियाँ हम लोगों ने अपने जनपद में कर ली है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, इसके अलावा उनके काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारी भी लगा दिए।